हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए फिर से नए नए क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे ग्रुप डी और एनटी विषय में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही नोटेड करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है। मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप तो देखेंगे बट उसके साथ साथ आप लोगों को भी भेजिए ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और उनको ये सब नॉलेज मिले। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, पत्ती किसके कारण हरी होती है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स क्लोरोफिल के कारण। अब यहाँ पे बात यह आती है कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए क्लोरोफिल जो हमारा होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनल्स या कोशिकांग होता है, ठीक है। अगर आपको क्लोरोफिल के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से लेनी है तो आपको क्लोरोफिल पे एक वीडियो बनी होगी, ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हैं, मैंने एक क्लोरोफिल पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो क्लोरोफिल एक प्रकार का ऑर्गेनल्स या कोशिकांग होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण से पत्तियों का हरा रंग, पत्ती का मतलब जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। यहाँ में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें कि पत्ती का पीला रंग किसके कारण होता है। पत्ती हमारी कभी कभी पीली भी हो जाती है, क्यों होती है, क्योंकि उसमें कैरोटीन पाए जाते हैं। तो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण और पत्ती का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, ओके। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। तो इसका आंसर है पारा। जो हमारा पारा होता है वो द्रव के रूप में पाई जाती है, वो ऐसे मेटल्स है जो लिक्विड के रूप में प्रभावित होती है, ओके। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है पीलिया से शरीर का कौन सा रंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा पीलिया रोग होता है, ठीक है, उससे जो हमारा बॉडी का जो पार्ट होता है वो कौन सा अंग ग्रस्त होता है, तो वो लीवर, ठीक है, जिसे आप हिंदी में यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सौर किसमें नापा जाता है। सौर को आप किस यंत्र से नापते हो। तो इसका आंसर है डेसिबल। डेसिबल से हम सौर को नापते हैं कि कितना ज्यादा साउंड है, मतलब कि कितनी ज्यादा साउंड की आवाज है, ठीक है, तो ये डेसिबल के द्वारा आप नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो कितने मिनट उसमें लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, ठीक है, 8 मिनट लगभग सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट 22 सेकंड फ्रेंड्स लगते हैं, ठीक है, 22 सेकंड मैंने नहीं लिखा बट लगभग 8 मिनट और 22 सेकंड एकदम एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि 8 मिनट 22 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, ठीक है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। वाल्व मतलब कच्छ, ठीक है, तो कच्छ भी बोल सकते हैं, वाल्व भी बोलते हैं। तो मानव हृदय में जो कच्छ होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, जिसका नाम है दायालिन, दायानिलय, बायालिन, बायानिलय, ठीक है, ये 4 कच्छ हमारे मानव के हृदय में होते हैं। अगर आपको हृदय के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको हृदय पे भी एक वीडियो बनी होगी फ्रेंड्स, उस वीडियो को पूरी आप देखिए तो आपको पूरी जानकारी हृदय पे भी मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायुमंडलीय दाब किसमें नापते हैं। तो वायुमंडलीय जो हमारा दाब होता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में होती है, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, ठीक है, तो इसे हम दो नामों से जानते हैं, एक मास्टर ग्रंथि और एक पीयूष ग्रंथि, ठीक है, एक प्यूट्रिड ग्रंथि भी होती है, इसे हम प्यूट्रिड ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटी ग्रंथि होती है जो मटर के दाने के रूप में दिखाई देती है, ठीक है, तो ये हमारी ग्रंथि इतनी छोटी दिखाई देती है। तो ये जो हमारा होता है वो मस्तिष्क के आधार में होती है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदन होता है। ओके फ्रेंड्स, कह रहा है कि सॉरी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है। किसमें? भारी जल में। भारी जल में रिएक्टर में मंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, तो उसकी खोज किसने की थी? मतलब कि हमारा जो हंसने, मतलब कि जिसके कारण हम हंसते हैं, ठीक है, एक नाइट्रस गैस आती है। अगर आपको नाइट्रस गैस सूंघा दिया जाए तो आप हमेशा हंसते ही रहोगे। अगर आप रो भी रहे हो तो आपको रोना नहीं आएगा, हंसना आएगा, ठीक है। वो ऐसी गैस होती है। तो फ्रेंड्स, तो इसकी खोज, मतलब जो नाइट्रस गैस है उसकी खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गाड़ियों में ड्राइवर के पास, तो गाड़ियों में ड्राइवर के पास होता है, इसका आंसर है उत्तल लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जे पांकिस रेफ्रिजरेटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड, चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस, ठीक है, मतलब अवतल लेंस दूर में और उत्तल लेंस पास के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, हमें थकान लगती है किस अम्ल के कारण? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आतिशबाजी में लाल रंग होता है किसके कारण? स्ट्रेंसियम के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में होता है कौन सा एसिड? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड। सोडा वाटर में कार्बनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? फ्रेंड्स, जो हमारा विटामिन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी होते हैं, बाकी सारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पेट्रोल में होता है क्या? हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट्स हमारे पेट्रोल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप कि इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर गौर करिएगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है, या फिर आपको जिस टॉपिक पे लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चन को पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।